हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर महीने में हुई अच्छी बारिश, परंतु वहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो सामान्य से 10% कम रही है। मानसून के बाद इस बार सामान्य से शहर में 9% कम बारिश रही। आने वाले 10 दिन तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, क्योंकि अभी किसी भी तरह पश्चिमी विक्षोभ आने का पूर्वानुमान नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र मनमोहन सिंह ने कहा कि यदि पिछले सीजन की बात की जाए तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में 10% से कम बारिश दर्ज की गई, वहीं यदि 10 जनवरी की बात करें तो अब तक 9% कम बारिश चल रही है। वहीं यदि हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर 2 से 3 फुट तक बर्फ देखने को मिली है, चाहे वह फिर जिला शिमला की बात करें या फिर कुल्लू मनाली की। वहीं अगर बात करें आने वाले 10 दिनों तक, फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, क्योंकि प्रदेश में अभी किसी भी तरह के पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नहीं है। तो विंटर जो स्टार्ट होता है जनरली अपने दिसंबर के महीने में स्टार्ट होता है, लेकिन जो पिछले पिछला सीजन था जिसको हम पोस्ट मानसून सीजन भी बोलते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में भी अच्छी बारिश हुई थी और ये सामान्य से 10% बारिश कम रही थी जो टोटल ओवर द स्टेट है। तो इसी तरह जो अभी जो जनवरी से लेकर अब तक जो पूरे स्टेट में बारिश है वो 30 मिलीमीटर हुई है, जो कि 9% जो है अभी सामान्य से ज़्यादा चल रही है। और अगर स्नोफॉल देखें तो इस बार स्नोफॉल जो है शिमला सिटी में देखें तो सिर्फ बहुत कम हुई है, 9 सेंटीमीटर ही स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई थी दिसंबर के महीने में। जनवरी में अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के ऊपर के इलाके हैं, खड़ा पत्थर है, नारकंडा है, इवन कुफरी है, वहाँ पे अच्छी स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई। बाकी अगर जो कल्पा है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, कल्पा में अभी तक जो है 175 सेंटीमीटर बारिश स्नोफॉल जो है वो हो चुकी है। और साथ में जो किलोंग का एरिया लाहौल स्पीति में भी जो अच्छी स्नोफॉल हुई है, 140 सेंटीमीटर अब तक स्नोफॉल हो चुकी है। और साथ में जो कोठी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो पड़ता है वहाँ पे भी 190 सेंटीमीटर के करीब जो स्नोफॉल हो चुकी है। तो अगर हम कुल मिला के ऊपर देखें तो जो ऊपर के इलाके हैं खास करके लाहौल स्पीति का एरिया और कुल्लू का एरिया हाई रिचेज वाला और साथ में किन्नौर का इलाका है, वहाँ पे 5 से 6 फुट तक जो है कुछ एक जगह पे जो स्नोफॉल हो चुकी है। और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है यहाँ पे भी जो 2 से 3 फुट तक जो कुछ एक इलाकों में स्नोफॉल जो हो चुकी है। अभी आने वाले जो दिन है इसमें कोई ज़्यादा अभी तक WD आने के संकेत नहीं है। आने वाले जो 10 दिन तक जो वेदर है वो ऑलमोस्ट क्लियर रह सकता है, कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है कि कोई हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी या स्नोफॉल होगी। और जो दिन के तापमान है वो जैसे कि पिछले दिनों काफ़ी दिन से वेदर क्लियर चल रहा है, तो जो टेम्परेचर है वो हाई साइड में चल रहे हैं, लेकिन जो निचले टेम्परेचर है मिनिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से कम चल रहे हैं, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो वो सामान्य से कम चल रहे हैं। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।